दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार आए दिन कुछ न कुछ बयान देती रहती है। परिवहन के साधन महिला की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए परिवहन के सभी साधनों को हिम्मत ऐप प्लस के QR कोड से जोड़ दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अजमेरी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को QR कोड स्कीम का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि QR कोड से जोड़े जाने पर परिवहन के सभी साधनों का उपयोग करने वाली महिलाओं में सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेट्रो से रोजाना करीब 30 लाख, एयरपोर्ट से 1.5 लाख और रेलवे से करीब 13 लाख लोग यात्रा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान टैक्सी चालकों को 3000 QR कोड दिए गए हैं। हिम्मत ऐप की शुरुआत 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इस दौरान इसके यूजर्स केवल 44,000 थे। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे हिम्मत प्लस में अपग्रेड किया गया। इसके बाद यूजर्स की संख्या करीब 99,000 हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर महिला को यह ऐप डाउनलोड करना चाहिए ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।